आजकल गर्मी का मौसम है, सबको ठंडा चाहिए। आज कुछ नया बना रहे हैं, वो भी फ्रूट क्रीम। जो सामान अवेलेबल है उसी से हम बना रहे हैं। मैं साधना, मेरे चैनल साधना टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए अब बनाते हैं हम फ्रूट क्रीम। उसके लिए हमने लिया है दही और दूध। ये हमारा गाय का दूध है फुल क्रीम वाला, उसको हमने थोड़ा गाढ़ा किया है। और इसमें यूज करेंगे हम कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर हमने लिया है ये 2 चम्मच, ज़्यादा बड़ी वाली चम्मच नहीं है, डेली जो हम खाना खाने में यूज़ करते हैं वही है। दूध हमने लिया है 1/2 किलो और इसमें दही लिया है हमने 150 ग्राम करीब, 1 कटोरी। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। और मिक्स करके हमने ये एप्पल को धो के छील लिया और महीन कट कर लिया है, वो इसमें डाल दिया है। आपके पास ग्रेप्स हो, अनार हो, वो भी आप डाल सकते हैं। केले और चीकू ना डालें इसमें, फ्रूट क्रीम में अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो जो अवेलेबल हैं। आप काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश ये सब डाल सकते हैं, केसर हो तो केसर भी डाल सकते हैं। और इसमें हम टूटी फ्रूटी जो है हमने बनाई, आपने वीडियो देखी होगी, इसकी लिंक चाहिए तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ड्राई फ्रूट्स को महीन कटिंग करके डालना है। छोटी इलायची आपके पास है तो आप वो भी इसमें डाल दीजिए, 4-5 इलायची महीन पीस कर। और इसमें हम डालेंगे वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और कस्टर्ड भी हमने वेनिला एसेंस वाला ही लिया है। आप इसमें छोटी इलायची डालना ना भूलें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दोस्तों मैंने अपने चीनी के साथ ही महीन पीस के रखी है, वो मैं डालूंगी। दोस्तों इसमें हमने 2 चम्मच ग्लूकोज डाला है और शुगर लेंगे 4 स्पून। अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रूट क्रीम खाने को तैयार है। हैव इट दोस्तों, आप अपने घर पे जरूर बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, अपने घर के बच्चों को भी खिलाएं। बहुत ही अच्छा लगने वाला आइटम है, हेल्दी आइटम। देखिए मेरे हस्बैंड खा के दिखा रहे हैं कैसी है। वाह, क्या फर्स्ट क्लास फ्रूट क्रीम बनी है, मस्त है, एकदम फर्स्ट क्लास।